नीट परीक्षा से जुड़ी खबरें, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्र आज देंगे दोबारा एग्जाम। 6 नए सेंटर किए गए अलॉट, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी। इससे पहले यूजीसी नेट परीक्षा की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की आज पटना कोर्ट में पेशी। ईओयू दफ्तर से आरोपियों से की गई पूछताछ। देवघर में एम्स के बगल के मकान से गिरफ्तार हुए थे सभी आरोपी। बिहार पुलिस को एनटीए से संदर्भ में प्रश्न पत्र मिले। पटना के फ्लैट से बरामद जले हुए प्रश्न पत्रों से होगा मिलान। आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने की तैयारी। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया। आईएएस प्रदीप सिंह खरोला होंगे एनटीए के नए महानिदेशक। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष खड़े कर रहा सवाल, छात्र भी कर रहे प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं सरकार, युवाओं का विश्वास खो चुकी है केंद्र सरकार। क्लीन चिट देने के बाद एनटीए महानिदेशक को पद से हटाया। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे नीट अभ्यर्थी। परीक्षा की धांधली का करेंगे विरोध। राजस्थान के 100 छात्र अपने अभिभावकों संग होंगे शामिल। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले 17 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर नकली नोट फेंक कर रहे थे प्रदर्शन। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय पैनल का किया गठन। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे पैनल का नेतृत्व। 2 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेन। सिकंदर के परिजनों ने अपने बेटे को बताया बेकसूर। कहा सिकंदर को इस मामले में फंसाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के पटना से प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर सामने आई। भैंस के साथ किया प्रदर्शन कोलकाता। काशी में भी छात्रों का प्रदर्शन। नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, परीक्षा में धांधली का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। मामले की जांच जारी, सभी को मिलेगा न्याय। आप सांसद प्रसन्नदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। कहा पेपर लीक की समस्या सिस्टम के फेलियर, शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नीट और यूजीसी नेट को लेकर राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा कांग्रेस के नेता और मंत्रियों पर भी हो कार्रवाई। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी। कहा तकनीक के इस दौर में आखिर कैसे लीक हो गए पेपर। परीक्षा में धांधली के लिए राजस्थान की पूर्व सरकार भी जिम्मेदार। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कुशीनगर पहुंची सीबीआई टीम। निखिल नाम के युवक से पूछताछ की। निखिल ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था यूजीसी नेट पेपर का कुछ अंश। एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज। सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले पेपर लीक का दावा। आयोग ने खबरों को बताया निराधार। 2 पालियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक परीक्षा। एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पचभाई ने कहा कि करीब 1,83,000 छात्र देंगे परीक्षा। का परीक्षा में कोई बदलाव नहीं, प्रश्न पत्र सील, पेपर लीक की संभावना से इनकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।